हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आज अपन स्टार्ट करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक। टेंजेंट एंड नॉर्मल में आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगा इंट्रोडक्शन पे, जिसमें अपन टेंजेंट, कर्व, नॉर्मल इनकी बातें करेंगे और कुछ पुरानी बातें करेंगे, दैट इज स्ट्रेट लाइंस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्या होगा, इंट्रोडक्शन ढंग से समझने से वही हमारा जो तरीका है कि यार इंट्रोडक्शन पे इतना अच्छा फोकस करो कि आगे के क्वेश्चंस एक बार में समझ में आए और एक क्वेश्चन को समझ के आगे के काफी क्वेश्चंस आप खुद से ही कर लो, लेकिन उसके लिए आपका इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें चाहिए एक डायग्राम। डायग्राम में हमने ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये है कर्व, ये येलो लाइन है टेंजेंट, क्योंकि ये कर्व को टच करके जा रही है, टच करने वाली लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, और जो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर जा रही है उसे बोलते हैं नॉर्मल। अब ये जो हमने जिसको ए पॉइंट मार्क करा है, ढंग से देखो, ये तीनों का कॉमन है। किसका कॉमन है? कर्व, टेंजेंट और नॉर्मल। सी टी एन, कर्व, टेंजेंट, नॉर्मल, तीनों का कॉमन पॉइंट है ना ये, इसलिए जो पॉइंट ए है इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और हमेशा इस पे जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री। ये कुछ रूल्स हैं इस चैप्टर के, यानी कि इस टॉपिक के, जो आपको याद करने पड़ेंगे, और ये बहुत 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 ज्यादा इजी है यार। देखो, अब हमने एक कर्व लिया y इक्वल टू एफ एक्स। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? पहला टॉपिक, स्लोप ऑफ टेंजेंट को शॉर्ट में मैं बोलूंगा SOT। ठीक है, समझ जाना भाई, SOT मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट? ये होता है y डैश, यानी कि कर्व के इक्वेशन का डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज SON, ये होता है -1/y-, यानी कि जो भी आपकी टेंजेंट की स्लोप आएगी उसका नेगेटिव साइन करके रेसिप्रोकल कर दोगे तो नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। ठीक है, अब टेंजेंट और नॉर्मल में कुछ बातें कॉमन होती है, कुछ बातें इनके रूल्स हैं एक तरीके से। टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं और इनकी स्लोप का प्रोडक्ट होता है क्या? -1। ठीक है, तो अब एक सेकेंड लगेगी, आप वीडियो पॉज करो और एक बार इन सबको खुद से ढंग से कॉपी कर लो। ठीक है, हो गया कॉपी, आगे बढ़े। अब देखो, नेक्स्ट थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, हो सकता है आपने पहले पढ़ा हुआ हो, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं मेरी साइड से आपको ये दोबारा रिवाइज करा दूं। स्लोप ऑफ अ लाइन, पहली बात, स्लोप का सिंबल होता है स्मॉल m। ठीक है, स्लोप को निकालने के तीन तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके होते हैं, है ना। पहला तरीका, अगर आपके पास कोई लाइन है और वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है विच इज थीटा, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है टैन थीटा। ठीक है, और टैन की अलग अलग एंगल्स पे क्या वैल्यूज है ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने कोर मैथ्स ली थी वो 11th में भी पढ़ चुके हैं। इनकेस अगर आपके पास अप्लाइड मैथ्स है तो कोई बात नहीं, आप अभी सीख लो, आपके हो सकता है एक दो क्वेश्चन में ये वैल्यूज काम आ जाए। तो ये स्लोप निकालने का पहला तरीका होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन, हिंदी में बोले तो ढलान। ठीक है ना, जो पार्क में फिसल पट्टी की ढलान होती है उसको स्लोप बोलते हैं। आगे, स्लोप निकालने का दूसरा मेथड, अगर आपके पास दो पॉइंट है ए और बी, x1y1 x2y2, तो इस तरीके से स्लोप निकाली जाती है। और लास्ट, अगर आपके पास कोई लाइन है और उसकी इक्वेशन आपको पता है तो आप इस फॉर्मूले से स्लोप निकाल सकते हो। तो स्लोप निकालने के तीन तरीके हैं। हम इस एक्सरसाइज में, इस टॉपिक में स्लोप पे इतना फोकस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यार ये बिना उसके पढ़ाई नहीं जा सकता, हर क्वेश्चन में तुम्हारे स्लोप काम आएगा। क्लियर है यहां तक, है ना। तो अब आगे, स्लोप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या? अगर कोई लाइन एक्स के पैरेलल है तो उसकी स्लोप होती है 0। कोई भी लाइन वाई के पैरेलल है तो स्लोप का रेसिप्रोकल होता है 0 के इक्वल। अगर कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो स्लोप होती है इक्वल, और दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। ठीक है, इजी है, तो पॉज करेंगे और एक बार इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, हो गया कॉपी। अब आज के इंट्रोडक्शन का लास्ट फेज, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये वो लास्ट टॉपिक है जो आपके क्वेश्चंस में काम आएगा। अपन वही मेन इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। एक होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब आपको कोई पॉइंट गिवेन हो x1, y1, और आपको स्लोप गिवेन हो n, नहीं तो स्लोप निकालने के तीन मेथड है जो मैंने आपको बताए। अगर कोई लाइन x के पैरेलल है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, सिमिलरली y के पैरेलल है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो।
ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, एक्स वन वाई वन क्या होता है, गिवन पॉइंट होता है जो लाइन पे लाई करता है, एम लाइन की स्लोप होती है, और एक्स कॉमा वाई ये आपके वेरिएबल्स होते हैं जिनमें आपको आपका आंसर छोड़ना होता है। ठीक है यहां तक क्लियर ये चीज। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्स वन कॉमा वाई वन ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही हो, बस इतनी सी बात याद रखनी है, इट इज द गिवन पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, ये हमारी लाइन पे लाए करेगा। अब ये कर्व पे लाए करे या ना करे, इट इज नॉट मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं कि ये कर्व पे भी लाए करे, लेकिन ये लाइन पे लाए करेगा। इजी है, क्लियर यहां तक? कोई भी डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो। आज का वीडियो हम यही एंड कर रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर रहे हैं। आगे के वीडियोज में अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, विच इज गोइंग टू बी वेरी इजी, लेकिन इंट्रोडक्शन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।